छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बूथ लेवल की बैठक खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 महीने का वक्त चुनाव आने में है। सरकार ने कई दौर का सर्वे कराया है, संगठन स्तर पर भी फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। टिकट फाइनल होने से पहले हाईकमान भी सर्वे कराता है। हम तो यही चाहेंगे कि यही सभी 71 विधायकों को टिकट मिले, लेकिन किसको टिकट देने हैं किसे नहीं ये हाईकमान तय करेगा। अगर कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग सरकारी स्तर से भी हो रहे हैं, संगठन स्तर पर हो रहे हैं। मैं भी विधायक हूँ, अगर मेरे मुझ में अगर कोई कमियाँ हैं उन कमियों को एक सर्वे के माध्यम से होता है कि हम अपने मूल्यांकन को नहीं कर पाते, तो एक सर्वे के माध्यम से लोगों का फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के अनुसार हम आगे काम करते हैं। जगजीत हमारे साथ लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। जगजीत, यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान आया है कि अब वो सभी को टिकट देना चाहते हैं, लेकिन टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं ये तो हाईकमान ही तय करेगा। क्या ये माना जाए कि इस बार विधायकों के टिकट कट होने वाले हैं? तो देखिए, जो अब जो आम चुनाव जो होने हैं वो काफ़ी कम समय बचा है उस चुनाव को लेकर के, और अगर आंकड़ों की बात करें, समय की बात करें, तो लगभग 6 महीना का ही समय शेष रह गया है। और ऐसे में जब पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आता है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है, वो जरूर चाहते हैं, उनका ये कथन है कि 71 के 71 विधायकों को वापस से टिकट दिया जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका फीडबैक और संगठन में जिस प्रकार की लगातार बैठकें चल रही हैं, उन बैठकों पर जब चर्चा की जाती है तो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी मांगे जाते हैं, वो विधायक क्या कैसा किस प्रकार से काम किया क्या नहीं किया, क्या क्या किस प्रकार की दिक्कतें आई, उन कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाता है। और देखिए, सर्वे का दौर जारी है और कई सर्वे किए जाएंगे, ऐसा भी पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साफ साफ तौर पे कहा है। और देखिए, जिस प्रकार से सर्वे का कार्य किया जा रहा है, सर्वे किसके पक्ष में जाएगा, किस प्रकार से सर्वे में विधायकों को किस तरीके से टाल मटोल किया जा रहा है, किस तरीके से उनको उनकी पूरी जो 4.5 साल का जो वक्त गुजरा है उन पर क्या क्या अच्छाई है ये देखी जा रही है, ये पूछा जा रहा है। और देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है और पीसीसी अध्यक्ष ऐसे मौके में अगर इस प्रकार से बयान देते हैं कि अगर 71 से 71 सभी विधायकों को टिकट दे दिया जाए, लेकिन अगर संगठन के लोगों का जवाब आता है कि ये विधायक में ये कमी है, ये समस्या उत्पन्न हुई है इन 4.5 वर्षों में, तो जाहिर सी बात है कि उन ऐसे लोगों का, ऐसे विधायकों का टिकट कटना लाजमी है। और देखिए, टिकट की बात अगर हम करें तो सर्वे तो अलग हो ही रहा है, लेकिन जब भी हमने पार्टी आलाकमान से बात किया और भी अन्य मंत्रियों से बात किया है, तो काफ़ी कठिन रहा है इस बार टिकट की। लगातार ये देखा जा रहा है कि पिछले बार जो 2018 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पुराने लोगों को टिकट दे दिया था, यही वो वजह कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई जो बड़े चेहरे के विधायक रहे वो भी चुनाव से उन्हें हाथ धोना पड़ा था। तो ये गलती कांग्रेस इस बार नहीं करेगी, और जरूर ये कयास लगाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसी विधायक के लोगों के टिकट को वो काट सकती है, नए चेहरों को वो मैदान में ला सकती है। जी रितु, चलिए ठीक है जगजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।